देखो भैया, ये लिख के ले लो, अब चाहे जो हो जाए बीजेपी को अब कोई भी नहीं हटा सकता है किसी भी जगह से। क्योंकि तुम ही सोचो, राहुल गांधी 150 दिन की यात्रा निकाले, उसमें कितना पैसा और कितना फेम और क्या क्या चीज खर्च हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने आके बिजली फ्री करा दी, महिलाओं को गैस सिलेंडर तक दिया, और साथ ही साथ यहां तक के स्कूल बनाने तक का वादा दिया। और वहीं ओवेसिस तो भैया हिंदू मुस्लिम के धर्म के नाम पे भी इतना करा, लेकिन नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही चली। और एक बात सच बताऊं, गुजरात में मौर्य वंश में यहां कांड हुआ था तो सब लोग ये बोल रहे थे कि ये सब मोदी की लापरवाही की वजह से हुआ है। अब इतना हेट मिलने के बावजूद बीजेपी जीत गई यार, तो मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको लिख के ले लो, अगले 100 साल तक बीजेपी टस से मस नहीं लेगी। क्योंकि मतलब उस बीजेपी ने अपने जो अपनी आम जनता है उसके अंदर वो इमोशनल और वो चीज जनरेट कर दिया है। चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये सही बात है। क्योंकि अगर दुनिया भर में इतना हेट और वो सब मिल रहा है तब भी कैसे जीत जा रही है, मतलब भैया कुछ तो बात है, तुम लिख के ले लो भाई। अब ना बीजेपी हटने वाली, इससे थक हार कर मायावती ने भी छोड़ दिया ये रंगमंच। अब सच बताऊं तो सबके पास बस ये उपाय है कि सब अपनी टीम कंबाइन करके बीजेपी में शामिल हो जाओ। अब बस यही उम्मीद है कि अब जो डिसएडवांटेज और जो चीज परेशानियां गुजरात झेल रही है उसको ये लोग सही करके दें। देखो भाई, अच्छे दिन आए चाहे ना आए, लेकिन बीजेपी सबके दिलों में तो आ गई है भाई, मानो चाहे ना मानो। क्योंकि भैया अगर राहुल गांधी की बात करोगे ना, तो लोगों के चेहरे पे ऐसी मुस्कान आ जाती है जब उनकी बात आती है तो। और भैया आम आदमी पार्टी भैया टक्कर दे रही थी, लेकिन अफसोस बीजेपी ही रूल, अव्वा चल रहा है भाई बीजेपी का।